ड्रग्स हाइटेक वेपन स्लिपर्स सीमा सेपटु दशंधि दशंधि धरी चलता आतंकवाद कार्यकलाप रोक लगवाई केन्द्र बड़ पदक्षेप। 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है, आपसे हाथ मिलाता हूं, एक नई चेतना आ जाती, नई ताकत आ जाती। सेना को दिया जाए अधिक क्षमता, बीएसएफ को दिया जाए कार्यानुष्ठान अधिक क्षमता, करिपरिबे सेमाने सर्च सीज अरेस्ट। अनेक कहते मोदी सरकार को ये पदक्षेप हो बड़ मास्टर स्ट्रोक, किंतु राजनैतिक महल रे ये पदक्षेप को लेकिन आरंभ हो जाए पॉलिटिकल टसल। मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी है जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में। डेली ड्रोन आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका। मैं कह सकता पंजाब विच आर्मी रूल मंगू कर लो, अद्धा पंजाब हुण सेंटर दे कंट्रोल च आ गया, जिन्ने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट दे पिंड है, शहर है, दरबार साहब है, भगवान वाल्मीकि दा तीर्थ है, दुर्गियाना मंदिर है, हुण सारा बीएसएफ दे कंट्रोल दे थले है। दोषी सब तो वड्डा चन्नी मुख्यमंत्री है जिहड़ी सहमति दे के है, मुख सूबे की सहमति के बगैर नहीं हुंदा। पीएम साहब की आपत्ति तो है ही है, सारे पंजाब की आपत्ति है भाई, आप समझिए। जो 15 किलोमीटर था पहले, हम टेररिज्म की लड़ाई लड़ते रहे हैं, ओपन बॉर्डर था, फेंसिंग नहीं थी। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट 700 किलोमीटर का है, 50-50 किलोमीटर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, आदमी तो छोड़ो। और असम और बंगाल 50-50, 100-100 किलोमीटर के जंगल हैं। हमारा सबसे जो पवित्र डिस्ट्रिक्ट है वो 35 किलोमीटर है, वो भी कवर हो गया, और उस तरन तरन भी हो गया, और गुरदासपुर और बटाला भी बीच में आ गया, और इधर फिरोजपुर से लेके मोगा तक ये सारे जितने बड़े शहर हैं, ये आज के बाद बीएसएफ के अंडर होंगे और सेंटर के अंडर होंगे। जो आपका मन करेगा नॉर्थ ब्लॉक में करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर जहाँ भी होना कहेंगे, पंजाब रे स्वाधीनता परठारु कांग्रेस एवं अकाली दल रो सरकार भिन्न भिन्न समय रे क्षमता केन्द्र रे रही आसी, हेले पंजाब रो पंजा ए पर्यंत पड़ी पारि नै बेधड़क निशा कारबार उपर। सुरक्षा दृष्टिकोण रु पंजाब हेउची देशर सबठारु गुरुत्वपूर्ण राज्य, हेले ए पर्यंत पंजाब रो कोनोस भी सरकार ड्रग्स एवं सीमा से पटु आसुथवा आतंकवाद कार्यकलाप उपरे रोक लगाइबारे विफल होइछन्ति। इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, अंदर से रिफ्यूजी आ रहे हैं अनऑथराइज, इन सबको रोकने के लिए डेप्थ चाहिए होती है पैरामिलिट्री फोर्स को, तो इस डेप्थ को 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर किया गया है, ताकि ये अब सिक्योरिटी को ताकतवर बना सके और लोकल स्टेट्स को भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि बीएसएफ का होते हुए वहां पे 50 किलोमीटर का दायरे से जो वो एक्टिविटी करेंगे वो हर एक स्टेट को फायदा होगा, इसमें किसी को रोने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सहित रही भारत 600 किलोमीटर सीमा, सेना को मिली अधिकार, एवं सेना जगिब 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, बढ़ी क्षमता, मिशन सीमा सेपटु होता आतंकवादी कार्यकलाप उपर रोक लगवा। तबे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची एबे पंजाब पुलिस भली बीएसएफ को मिली क्षमता, एबे समाने करि पारिबे सर्च सीज आउ अरेस्ट। Now that has been increased to 50 kilometers. So now they can go and search, seize and maybe arrest beyond those present borders. केवल जे पंजाब नुए, गुजरात, आसाम, पश्चिम बंगरे भी बढ़ी ची बीएसएफ रो क्षमता, दिया जाए ची कार्यानुष्ठान पाई अधिक क्षमता, देशर 5 पूर्वोत्तर राज्य रे मध्य बढ़ी ची बीएसएफ रो क्षमता। डिफेंस एक्सपर्ट का मत रे मोदी सरकार नेइथिबा ए निष्पत्ति देशर सुरक्षा क्षेत्र रे एक बड़ मास्टर स्ट्रोक। देश की सिक्योरिटी के लिए यह बहुत जरूरी है जो अमित शाह और होम मिनिस्टर ने किया है, और 50 किलोमीटर का जो पाकिस्तान में है, जो पंजाब में जो किया है, खालिस्तानी को रोकेगा, ड्रग्स स्मगलिंग को रोकेगा,
यूए जो अंडर जो ड्रोन आ रहे हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, आपने खुद ने देखा किस तरीके से आते हैं। अब ड्रोन का जो मैन्यूरेबिलिटी एप्लीकेशन कंट्रोल है बहुत इजी हो जाएगा, इसीलिए एंटी ड्रोन एक्टिविटीज़ भी होंगी, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ भी होंगी, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी बड़ी मुस्तैदी से की जाएगी।